विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 60.5% और हरियाणा में 65.6% वोटिंग हुई। भारी बारिश के चलते एर्नाकुलम विधानसभा का उपचुनाव रद्द। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की उम्मीद। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। कमलेश तिवारी हत्याकांड में हमलावर 5वें दिन भी गिरफ्त से बाहर। यूपी पुलिस ने 2 संदिग्धों की फोटो जारी की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार 3रे साल बढ़ा। यूपी पहले नंबर पर, दिल्ली क्राइम कैपिटल बनी। दिल्ली के संत रविदास मंदिर के लिए केंद्र सरकार के जमीन देने के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। 400 वर्ग मीटर में मंदिर का निर्माण होगा। इसराइल में नई सरकार के गठन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फेल। विपक्षी नेता बेनी गैंट्स ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और रांची टेस्ट में भारत जीत से 2 विकेट दूर।